हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की उनके संकल्प को एक गति देने का कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आने के उपरांत उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर मार्च 17 में हमने कार्यभार संभाला था और 24 जनवरी को जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया था उस अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की थी और दूसरी स्थापना दिवस के अवसर पर 2019 में 24 जनवरी 2019 को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को लागू किया था। एक जनपद एक योजना में प्रदेश की परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने हर एक जनपद की एक प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया था। उस प्रोडक्ट को हम लोगों ने नई डिजाइन के साथ तकनीक के साथ जोड़ते हुए उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाने बाजार से उसे जोड़ने और वह वैश्विक मंच पर भी एक स्थान प्राप्त कर सके उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए भी तमाम प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का कार्य किया था। आज उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के तो बैकबोन बनी है, बल्कि मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आज पूरे देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत की बैकबोन भी बनी है। उसकी रीढ़ की हड्डी बनकर के आज कार्य कर रही है और आज हर राज्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ओर जा रहा है। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को वैश्विक स्तर पर सम्मान तो दिलाया ही है, उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में भी स्थापित किया है।